मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार का इस्तीफा, सिंधिया को मिल सकती है प्रदेश की कमान। दो स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज में, मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के इस्तीफे के विषय में। क्या अपनी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए उस समय शुरू करते हैं आज का विषय और जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और इससे अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों, समय शुरू करते हैं आज का विषय जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, एमपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी मिलेगी, इसका फैसला जल्द ही होने वाला है। 12 को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि समर्थकों की लगातार बढ़ती नाराजगी और कांग्रेस में मचे घमासान को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि होना बाकी है, वहीं कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी हाईकमान ने सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। जल्द ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस हाईकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। 10 सितंबर यानी मंगलवार को सिंधिया दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि उसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा सौंपा जा सकता है। वही खबर आ रही है कि सीएम कमलनाथ ने रविवार को देर रात एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे मंजूर भी कर लिया है। वही सिंधिया के मना करने के बावजूद समर्थकों द्वारा ग्वालियर के बाद रविवार को सागर में सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। इसके पहले भी समर्थकों द्वारा प्रदर्शन, हवन, अनुष्ठान, धरना के साथ साथ कई जिला अधिकारियों द्वारा इस्तीफे भी दिए जा चुके हैं। हाईकमान द्वारा सख्ती और नसीहत के बावजूद समर्थकों का जुनून और जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समर्थक लगातार इस बात पर अड़ गए हैं कि सिंधिया को पीसीसी चीफ की कमान सौंपी जाए। फिलहाल अभी सभी को फैसले का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के बयान के अनुसार 10 से 13 के बीच नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान का ऐलान किया जा सकता है।